हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 फरवरी शुक्रवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसके साथ साथ महादेव आज के दिन काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में आज के दिन आपको महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करने चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और लगभग 117 सालों के बाद सस नामक संयोग बन रहा है और यह महाशिवरात्रि कई मायनों में महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेंगे। आपको बताएंगे आज के दिन आप महादेव की किस प्रकार से पूजा करें और अगर आप सच्चे दिल से महादेव की पूजा और आराधना करते हैं तो आपको अपने सभी सपनों को सच करने का, साकार करने का पूरा पूरा फायदा मिल सकेगा। आपको बताएंगे आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मेहनत और आपके लगन का आपको परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आज के दिन आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज आपके काम मन मुताबिक पूरे होंगे और मित्रों के साथ आज किसी खास विषय पर बातचीत कर सकोगे जिससे आपको फायदे मिलेंगे और किसी भी काम को करने में आपका मन अधिक लगेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कारोबारियों को कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आज आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। आज आपको नया अनुभव मिलेगा और कोई रचनात्मक काम आपके दिमाग में आ सकते हैं। छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होंगे। आपके धन में आज के दिन बढ़ोतरी होंगे। महादेव की कृपा से आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। जीवन में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकेगा तथा आप तरह तरह की योजनाओं को बनाकर आप अपने कार्य को कर सकोगे। आज के दिन आप अपने खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन भगवान शिव महादेव की पूजा, माता पार्वती गणेश जी और आप कार्तिक भगवान की पूजा आराधना अवश्य करें। इनको अगर सच्चे दिल से आप नमन करके इनकी पूजा उपासना करोगे तो आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा तथा आप तरक्की पा सकोगे। आपको हर एक प्रकार की खुशियां मिल सकती हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा कि आज आप जिस भी कामों को करोगे वह समय से पूरे होंगे। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में कर सकेंगे और किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्राइवेट जॉब करने वालों को आज के दिन कई मायनों में फायदे मिल सकते हैं। अधिकारियों से आज आप किसी खास बातचीत पर कर सकोगे। आज के दिन आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होंगे। आपको कार्यों में सफलता मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मीन राशि वाले जातकों को आज के दिन तरह तरह की योजनाओं को बनाने का मौका मिलेगा। आज थोड़ी सी मेहनत से बड़ा मुनाफा कमा सकोगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो आपको फायदे हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकोगे। इस राशि के कंप्यूटर छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे और कुछ स्थितियां आपके फेवर में रहेंगे और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद से आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकोगे। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आज धन लाभ होने के अवसर मिलेंगे। आपको परिवार के किसी काम से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात भी हो सकेंगे जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे होंगे। दिन भर के कामों में आप आलस्य से घिरे रह सकते हैं और आज के दिन पुराने विवाद भी सामने आ सकते हैं। ऐसे में आपको अपने पुराने विवादों से थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत रहेंगे।
आज का दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। इस राशि के छात्रों को आज कड़ी मेहनत करके अपने कार्यों को करने की जरूरत रहेंगे और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। आपको कहीं लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। कुछ मामलों में आप अपने बातों पर कॉन्फिडेंट रह सकोगे। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगेंगे तथा आप कठिन परिस्थितियों में आपको अपने पड़ोसियों से मदद मिलेंगे। पारिवारिक मेहतर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने जीवन में कई सारे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति भी आप कर सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि ऑफिस में किसी काम को लेकर आपके तारीफें होंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार वालों के साथ आपको मिलेंगे और किसी कार्य में आपको थोड़ी सी कोशिशें करने से ही किस्मत का पूरा सहयोग मिलेंगे। आज के दिन आप करियर में आगे बढ़ने के मौके तलाश सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकोगे तथा तरह तरह की आप चल रहे किसी भी प्रकार के नए उद्योगों को शुरू कर सकते हैं। आज के दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस राशि के लवमेट आज के दिन को बेहतर बना सकेंगे। जरूरतमंद मित्रों की तरफ से आप अपने कदम को बढ़ा सकोगे। छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेंगे। आपके सारे काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे। इसके साथ साथ आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम को उठाने चाहिए और किसी काम में अनुमान से ही ज़्यादा आपको मेहनत और फल मिल सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 फरवरी शुक्रवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसके साथ साथ महादेव आज के दिन काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में आज के दिन आपको महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करने चाहिए। इसके साथ साथ आज के दिन सर्वार्ध सिद्धि योग और लगभग 117 सालों के बाद सस नामक संयोग बन रहा है और यह महाशिवरात्रि कई मायनों में महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेंगे। आपको बताएंगे आज के दिन आप महादेव की किस प्रकार से पूजा करें और अगर आप सच्चे दिल से महादेव की पूजा और आराधना करते हैं तो आपको अपने सभी सपनों को सच करने का, साकार करने का पूरा पूरा फायदा मिल सकेगा। आपको बताएंगे आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मेहनत और आपके लगन का आपको परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आज के दिन आप कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकें, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज आपके काम मन मुताबिक पूरे होंगे और मित्रों के साथ आज किसी खास विषय पर बातचीत कर सकोगे जिससे आपको फायदे मिलेंगे और किसी भी काम को करने में आपका मन अधिक लगेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कारोबारियों को कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आज आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। आज आपको नया अनुभव मिलेगा और कोई रचनात्मक काम आपके दिमाग में आ सकते हैं। छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होंगे। आपके धन में आज के दिन बढ़ोतरी होंगे। महादेव की कृपा से आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। जीवन में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकेगा तथा आप तरह तरह की योजनाओं को बनाकर आप अपने कार्य को कर सकोगे। आज के दिन आप अपने खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर सकेंगे।
मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन भगवान शिव महादेव की पूजा, माता पार्वती, गणेश जी और आप कार्तिक भगवान की पूजा आराधना अवश्य करें। इनको अगर सच्चे दिल से आप नमन करके इनकी पूजा उपासना करोगे तो आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा तथा आप तरक्की पा सकोगे, आपको हर एक प्रकार की खुशियां मिल सकती हैं। मित्रों बताना चाहूँगा